नमस्कार दोस्तों, मैं कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का आहट एक अनहोनी की चैनल पर। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले ही मिलता रहे। डॉक्टर श्याम मुखर्जी अपनी बेटी और पत्नी के साथ नागपुर शहर में रहते थे और उनकी क्लिनिक भी अच्छी चल रही थी। श्याम जी रो हाउसेस में रहते थे। घर में हर कमरे में एसी होने के बावजूद भी डॉक्टर साहब को छत पर ही सोने की आदत थी और वही आदत उनके पड़ोसियों को भी थी। कभी कभी छत पर खड़े खड़े ही दुनिया जहान की चकल्लस हो जाती थी पड़ोसियों के साथ। एक दिन ठंड के मौसम में श्याम जी घर पर टीवी देख रहे थे, करीब रात के 11 बजे के आसपास। तभी उनके घर की बेल बजी तो श्याम जी ने दरवाजा खोला, तब उन्होंने सामने बेइंतहा खूबसूरत औरत को खड़े देखा। एक बार तो उसकी खूबसूरती में डॉक्टर साहब बह गए, लेकिन अचानक जैसे सुध आई हो ऐसे उन्होंने कहा कि जी आप कौन। तब उस औरत ने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और ड्राइवर उसे रिपेयर कर रहा है, बाहर काफ़ी ठंड है, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके घर में रुक सकती हूँ। उस औरत को देखकर श्याम जी उन्हें मना करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए और उन्होंने कहा जी आइए, हम तो भोजन करने जा रहे थे, आप भी साथ में भोजन कर लीजिए। तब उस औरत ने कहा कि 11 बजे रात को इतना लेट भोजन। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि अमूमन तो हम 8 बजे ही खाना खा लेते हैं, लेकिन आज क्लिनिक से आने में देरी हो गई इसलिए आज लेट हो गया। उस औरत ने कहा कि हाँ हाँ, मैंने तो नेम प्लेट पर ही पढ़ा कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्याम मुखर्जी जी। मेरा नाम मोहिनी है। डॉक्टर साहब ने मोहिनी को घर में एंट्री दी। उतने में ही बूजो ऊपर की मंजिल से नीचे उतरा, जो श्याम जी का पेट डॉग था, और मोहिनी पर कूद पड़ा, लेकिन श्याम जी ने उसे पकड़ लिया और डांटने लगे कि ये क्या हरकत है बूजो, तुम अचानक से इतना एग्रेसिव कैसे हो गए। लेकिन बूजो लगातार मोहिनी पर भौंके जा रहा था। तब अपनी बिटिया डॉली से उन्होंने कहा कि बेटा इसे ऊपर के कमरे में बांध दो। तब डॉली बूजो को लेकर चली गई, लेकिन बूजो का भौंकना बंद नहीं हुआ। यहाँ श्याम जी की पत्नी शांति जी ने सबके लिए खाना लगाया और मोहिनी से भी कहा कि आओ आप भी थोड़ा भोजन कर लो। तभी ज़्यादा आग्रह करने पर मोहिनी ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ आप लोगों के साथ में। यूं कहकर वह ऊपर की मंजिल चढ़ने लगी। तब सबको आश्चर्य हुआ कि ये ऊपर क्यों जा रही है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया उसे। तभी वह थोड़ी देर बाद नीचे आई और टेबल पर बैठ गई। शांति जी ने खाना परोसा सबका और डोली से कहा कि बेटा बूजो को ले आओ, उसे भी भोजन दे देते हैं। तब डोली ने कहा कि हाँ माँ, अब तो वह गुड बॉय की तरह शांत भी हो गया है। लेकिन डोली को ऊपर बूजो मिला ही नहीं। वह सारी जगह ढूंढ के आई, लेकिन बूजो का ना मिलने पर उदास हो गई और यह कहने लगी कि आखिर वो चला कहाँ गया। तभी अचानक से मोहिनी ने कहा कि बूजो अब कभी नहीं आएगा, उसे मैं खा चुकी हूँ और अब तुम लोगों की बारी है। ऐसा कहते ही उसका पूरा शरीर एक भयानक डरावनी पिशाचिनी में बदल गया और वह सीधा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी भयानक आंखें देखकर श्याम जी इतना डर गए कि वे अपनी सीट से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। उनका पूरा शरीर डर से कांपने लगा और वे सुधबुध खो बैठे थे। लेकिन शांति जी ने हिम्मत दिखाते हुए गरम खाना सीधा मोहिनी के चेहरे पर फेंका और वे श्याम जी को खींच के डोली के साथ ऊपर की मंजिल तरफ भागने लगीं और वे तीनों छत पर चले गए। उतने में ही मोहिनी भी उनके पीछे पीछे
छत पर पहुंची और शांति जी पर चिल्लाई कि तूने मेरा चेहरा जलाया है, मैं तुझे आज सबके सामने कच्चा चबा जाऊंगी। ऐसा कहकर उसने शांति जी पर हमला कर दिया। ये सब चिल्ल गुहार सुनकर बाजू की छत से पंडित जी जग गए और ये सारा नजारा देखकर समझ गए कि डॉक्टर साहब की फैमिली मुसीबत में है। वे तुरंत अपनी छत से कूदकर डॉक्टर साहब के घर पर आ गए और मोहिनी के बाल पकड़कर खींचा और अपने हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला उन्होंने मोहिनी के गले में डाल दी। माला जैसे ही गले में आई, मोहिनी तड़प उठी और अचानक उसका रूप बदलने लगा और वह हवा होकर वहां से गायब हो गई। ये देखकर पंडित जी भी हैरान थे, लेकिन रुद्राक्ष उसके गले में ही थी। ये देखकर उन्हें संतोष हुआ कि वह दोबारा तो नहीं आ सकती और शायद वह बचे भी नहीं। दोस्तों, डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली आज तक पंडित जी की आभारी है कि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उनका घर बचाया था। आज इस बात को करीब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई बुरी घटना उनके यहाँ तब से नहीं घटी है और डॉली तो विदेश जा चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने अनुभव मेरे ईमेल पर शेयर कीजिए। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।